Hello friends, welcome to your channel that is Step by Step Study. So from today we are going to start your chapter number 5, that is coal and petroleum. This is your new chapter and I'm taking it from NCERT class 8. Also, if you have any problem or any doubt, you can mail us at sbss.inquiry@gmail.com or you can WhatsApp us at the WhatsApp number we have provided to you. Email ID and WhatsApp number you will get in the description box of register video. Kindly watch that. Also, if you are preparing for your JSO, you can prepare from our videos. They are free of cost and very beneficial for your exam. Okay, all the syllabus is completed and that too free of cost. So chalo, now let's get started with the chapter. First of all, you have to remember some points, some terms. Kaun si terms aapko yaad rakhni hai? Pehla hai minerals. Minerals kya hote hain aapke? These are just definition first of all and that I'm taking. Minerals होते हैं useful chemicals found in lithosphere. जो useful chemicals lithosphere में present होते हैं those are known as minerals. Then we have fractional distillation. Fractional distillation होती है separation of a mixture, जैसे कि petrol है आपका, ठीक है, उसमें separate products में, separate useful products में उसकी separation करना by heating in a tall tower. थर्ड वन इज ऑफ शोर ड्रिलिंग. ऑफ शोर ड्रिलिंग है आपकी ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम अंडर सी बेड. पेट्रोलियम निकालना सी बेड के अंदर से बाय ड्रिलिंग इज नोन एज ऑफ शोर ड्रिलिंग. फोर्थ वन इज एनर्जी क्राइसिस. एनर्जी क्राइसिस कब होता है? जब आपके डिप्लीशन ऑफ सोर्सेज होते हैं एनर्जी सोर्सेज ड्यू टू देयर फास्टर रेट ऑफ कंजम्पशन. जब भी आपके सोर्सेज डिप्लीट हो जाए बिकॉज ऑफ फास्टर रेट ऑफ कंजम्पशन, at that point it is termed as energy crisis. Now we'll start our chapter. तो पहला है आपका natural resources. What are these natural resources? जैसे कि आपका air है, water है, soil है, forest है, minerals, ये सभी होते हैं आपके natural resources. अब depending upon the availability of various resources in nature, इनकी availability के ऊपर जो है वी क्लासीफाई दीज रिसोर्सेज इनटू ब्रॉडली टू कैटेगरीज. कौन कौन सी? पहला है आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो हमें पता है कि जो हमारा आदमी है, ठीक है, ही इज यूजिंग दिस रिसोर्सेज सिंस लॉन्ग टाइम. अब ये जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल योर विंड, वाटर, सनलाइट, ये सब तो कब से वो यूज करता आ रहा है. अब हमारे जैसे जैसे आगे आगे पॉपुलेशन बढ़ी है तो हम इस क्या फोर्स करा है हमें, वी आर फोर्स टू ओवर यूज रिसोर्सेज, ठीक है. तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं दोबारा से, बट कुछ जो है वो रीजनरेट अपने आप को नहीं कर पाते. तो जो रीजनरेट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो अब इन दो रिसोर्सेज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनएग्जॉस्टेबल एंड योर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो पहला है आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. जो रिसोर्सेज बहुत ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचर में प्रेजेंट होते हैं और दैट आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और जिन जो एग्जॉस्ट नहीं होते सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, नहीं हो सकते, दोज आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, आर नोन एज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब कौन कौन से होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे कि आपका विंड है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब है आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब हवा है आपकी, आप कितनी भी सांस लो ये तो है नहीं एक दिन हवा खत्म हो जाएगी, या आप पानी पीते रहो तो पानी खत्म हो जाएगा. अभी हमारी पूरी अर्थ पे 70% ऑफ वाटर है तो वो काफी है. 30% लैंड है, 70% वाटर, तो हमारी धरती पे इतना पानी है कि वो यूज हो सकता है. बस इतना है कि फ्रेश वाटर जो है वो यूज जो होने वाला फ्रेश वाटर है वो थोड़ा सा जो है कम है. देन वी हैव अबंडेंट सनलाइट ऑन आर एटमोसफेयर. अबंडेंट, ठीक है, जो सनलाइट है ये भी नहीं है कि सनलाइट भी खत्म हो जाएगी, और सनलाइट से भी कितनी चीजें होती हैं. तो इनको बोलते हैं हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. देन वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब दूसरा एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी. जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में और हमें पता है दैट दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, पेट्रोल हो गया,
कोल हो गया, आपकी नेचुरल गैस है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब है आपके, कैसे ये है आपके एग्जॉस्टेबल, ये खत्म हो सकते हैं। हमारा फॉरेस्ट कवर अगर हमने ज्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन कर दी तो कवर खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस ज्यादा यूज हो गई तो ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली विद कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। मिनरल्स हमें पता है कि दे आर बैकबोन ऑफ आर इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो होते हैं आपके मिनरल्स। जैसे मोस्ट मिनरल्स ये कहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, यहाँ से आपको ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके मिनरल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो मोस्ट मिनरल्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फियर, जो अर्थ में लिथोस्फियर है ना, जिसको अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट भी आप बोलते हो, वहां से आपको मिनरल्स मिलते हैं मोस्टली। अब सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका रॉक सॉल्ट, माइका हो गया, कोल है, पेट्रोलियम है, मेटल्स और जो ओर्स, लाइमस्टोन, सैंड, ये सब है आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है। रॉक सॉल्ट, माइका, कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स, ओर्स, लाइमस्टोन, सैंड, दीज आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स है, वी नो दैट दीज मिनरल्स वर फॉर्म ड्यू टू वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन साइड दी अर्थ। ये मिनरल्स बहुत धीरे 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 बने हैं, जैसे आपका कोल हो गया, अब ये तो है नहीं ये चार दिन के अंदर बन गया, या फिर आपका रॉक सॉल्ट है ये चार दिन में बन गया, पेट्रोलियम बन गया जल्दी से, इनको सदियों, मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगे हैं, 100 साल, 200, 300, पता नहीं कितने सालों से तो ये बनते आ रहे हैं नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, तब जाके ये हमारे इनसाइड ऑफ अर्थ ये बन पाए हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि जो हमारा मिनरल्स है ये हमारी अर्थ की क्रस्ट पे डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, ये नहीं है कि यार यहाँ पर ही मिनरल्स मिलेंगे मेरे को या फिर इधर। हमारे अर्थ क्रस्ट कौन सी होती है, जहाँ हम रहते हैं ऊपर वाली लेयर सबसे, और उस अर्थ क्रस्ट पे जो है वो अलग अलग जगह पे हमारा मिनरल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। एंड ये इस मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं, हम ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं धरती में से विद द हेल्प ऑफ माइनिंग, इस माइनिंग की हेल्प से, एंड फिर माइनिंग करते हैं हम इसकी, माइनिंग मतलब मिनरल्स को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो है हमें वो यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है। अब जैसे हम सीधा ये नहीं हमें कोल मिल जाएगा, पहले हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोलियम भी कच्चा तेल थोड़ी यूज करोगे आप, प्रोसेसिंग होती है फिर जाके जो है आपको मिनरल्स मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, नाउ विल डिस्कस अबाउट कोल, ठीक है। हमें हमेशा जो अपने मिनरल्स हैं किस तरीके से यूज करने चाहिए, जुडिशियली और इकोनॉमिकली, ताकि जो है ये लास्ट लॉन्ग करे लॉन्ग, ठीक है। नाउ वी कम टू कोल, ये एक तरीके का मिनरल और है हमारा। तो कोल जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड द अर्लीस्ट यूज फॉसिल फॉयल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारा कोल एंड अर्लीस्ट यूज फॉसिल फॉयल है, सबसे पुराना जो हमने फॉसिल फॉयल यूज करा था वो है आपका कोल। एंड इट अकर्स एट वेरिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके भी डेप्थ में जो है हमें कोल मिलता है। कोल बेड्स जो है दे आर जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। ये जो कोल बेड्स हैं आपके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कोल बेड्स में से कौन सी गैस निकलती है तो इट इज मीथेन, फॉर्मूला है CH4, याद रखना है। वी नो इन इंडिया कोल डिपॉजिट से कहाँ कहाँ मिलते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन झारखंड, जिसके झारखंड में भी झरिया में, बोकारो में, ओडिशा, MP एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मिलते हैं आपके कोल। वेस्ट बंगाल में भी जगह है रानीगंज जहाँ पर आपको कोल मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल जो है वो कैसे बनता है, हमारा कोयला किस तरीके से बनता है। कोल जो है हमारा बहुत ही डीप इनसाइड द अर्थ ही एग्जिस्ट करता है, और किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। तो जो कोल है इट वॉज फॉर्म्ड बाय एनारोबिक थर्मल डीजनरेशन ऑफ सेल्यूलोसिक मटीरियल ऑफ बिग प्लांट्स। जो हमारे बिग प्लांट्स होते हैं, बना कैसे ये, बहुत ही कहले तो इसने बहुत टाइम लिया, ठीक है। अब ये जो है हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है बिल्कुल नीचे, डीप इनसाइड द अर्थ, और वो भी कोल बेड्स में। अब ये क्या हुआ, ये सेल्यूलोसिक मटेरियल कैसे, जैसे आपके बिग बिग प्लांट्स हो गए, वो बरी हो गए, पत्ते हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, अब एनिमल्स हो गए,
तो जब वो बरी होते हैं नीचे दबते हैं, ठीक, जैसे कि आपको कोई पेड़ गिर गया या पत्ते गिरे नीचे पहुंचे, नीचे जाके जब वो बरी होते हैं तो इसने विद दी हेल्प ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन कैसे, एनरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन होती है आपकी, एक तो होती है इन विदाउट एयर, विदाउट योर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो आपकी जो सनलाइट आ रही है इतने टाइम से जो धरती पे, उसकी वजह से जो है थर्मल डिग्रेडेशन हुआ इन सेल्युलोटिक मटेरियल्स का, और फिर बना आपका कोल। और ये प्रोसेस इतना इजी नहीं था, इसको मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, तब जाके हमारा इनसाइड द अर्थ हमारा कोल बन पाया है, ठीक है। एनरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। एनरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड इज ऑल्सो टर्म्ड एज कार्बनाइजेशन। हमारी जो वुड है, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो अपनी वुड होती है ना, अंडर विद इफेक्ट ऑफ जैसे हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, और बिना हवा की कमी में, तो ये क्या करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है आपका इंटू कोल थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड ईच स्टेप लीडिंग टू इंक्रीज कार्बन कॉन्टेंट। हमारा कोल पहले तो कन्वर्ट होता है किसमें, नंबर ऑफ आपका जो विदाउट आपकी ऑक्सीजन, बिना एयर की प्रेजेंस में कोल कन्वर्ट हो जाता है, वुड सॉरी कोल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड हर स्टेप में जो है ना कार्बन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखना है। पहला हुआ हमारा वुड, ये टेबल आपको याद रखनी है, हो सके तो बना लो, ठीक है। वुड है, इस पे हीट पड़ी और पड़ा आपका प्रेशर। जब वुड पे हीट और प्रेशर पड़ेगा तो हमारा बन जाता है पीट। अब ये सबसे घटिया क्वालिटी का जो है कोयला होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला क्यों है ये, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, क्योंकि हमने क्या ऊपर डिस्कस करा था, हर एक स्टेज पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता जाता है। तो फिर पीट आ गया, पीट के बाद फिर से पीट के ऊपर क्या पड़ी, हीट पड़ी और प्रेशर पड़ा। अब ये हीट और प्रेशर की वजह से हमारा फिर से बना लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसे, ब्राउन कलर का। देन हीट पड़ी, सिमिलरली प्रेशर पड़ा, उसके बाद बनता है हमारा बिट्यूमिनस कोल। ये लिख लेना कहीं नोटबुक में, बिट्यूमिनस कोल, और ये होता है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। देन हीट पड़ी, प्रेशर पड़ा, वी गेट एंथ्रेसाइट, ANTHRACITE, एंथ्रेसाइट, एंड एंथ्रेसाइट इज ब्राइट ब्लैक, ब्राइट ब्लैक। समझ आ गया। तो अगर यहां से क्वेश्चन आए, पहला तो एक स्टेजेस आपको याद रखनी, वुड, वुड पे प्रेशर पड़ेगा, पहला बनता है पीट, पीट पे फिर प्रेशर पड़ता है, बनता है इग्नाइट। इग्नाइट किस तरीके का होता है, पीट होता है लाइट ब्राउन, इग्नाइट होता है ब्राउन, फिर और प्रेशर, हीट पड़े, बिटुमिनस कोल, ये ब्लैक कलर का है, और प्रेशर बढ़ा, एंथ्रेसाइट, ब्राइट ब्लैक। सबसे अच्छा कौन सा होता है, अगर आपको पूछा जाए कोल में, कोयला जो होता है सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो इट इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट से पहले आपका बिटुमिनस, और सबसे कम जो मात्रा होती है कार्बन की वो होती है आपकी पीट में, PEAT, ठीक है। चलो आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद आपको स्टेप्स याद रखने थे, तो ये हमने कर लिए हैं कि हर स्टेप पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता जाता है। कुछ वैरायटीज ऑफ कोल हैं जो हमें डिस्कस करनी है अब, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने नीचे जो लिखा है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ वैरायटी है आपके कोल की, तो वो याद रखनी है, जैसे कि पहली वेरायटी है आपकी पीट, PEAT, इसमें लेस कार्बन कॉन्टेंट होता है। दूसरी है आपकी कौन सा, लिग्नाइट, LIGNITE, इसको आप क्या बोलते हो, सॉफ्ट कोल, सॉफ्ट कोल भी आपके लिग्नाइट को बोला जाता है। देन वी हैव बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल। अब ये जो बिटुमिनस कोल है इसको हम हाउस होल्ड कोल भी बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल। एंड वी हैव एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट को आप क्या बोलते हो, हार्ड कोल, हार्ड कोल, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में,
अब हमें पता है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन कार्बन कंटेंट। तो मैं बार बार करा चुकी हूँ कि जो आपका कोल की क्वालिटी कैसे पता चलेगी कि उसमें कितना कार्बन कंटेंट है, और सबसे अच्छा है कौन सा है एंथ्रेसाइट, सबसे गंदा कौन सा है पीट। ठीक है, वेरियस यूजेस ऑफ कोल पढ़ लेते हैं। हमारा जो कोल है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोल हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटुमिनस कोल जो है वो कॉमनली कहाँ यूज होता है, ये हाउस होल्ड फ्यूल की तरह काम करता है एंड इन इंडस्ट्री। सो कहाँ गया ये देखिए, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, बिटुमिनस कोल इज कॉमनली यूज एज अ हाउस होल्ड फ्यूल एंड इन इंडस्ट्री। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि जो आपका कौन सा कोल है जो आपका हाउस होल्ड फ्यूल में और एज इन इंडस्ट्री में जो यूज होता है, तो दैट इज योर बिटुमिनस कोल। राइट, कुछ कॉमन यूजेस है कोल के, कोल तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहला, हम कोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ फ्यूल। दूसरा, कोल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक, कोल टार एंड वी हैव कोल गैस ऑल्सो, इट इज यूज एज फ्यूल। थर्ड पॉइंट इज कोल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोलियम एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। हमारा कोल सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने के लिए एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने के लिए भी यूज होता है। देन वी हैव अ पॉइंट, यूज एज अ सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल एंड नेफ्थलीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एज अ सोर्स भी यूज होता है, एज द सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, फिनॉल हो गया, नेफ्थलीन हो गया। कोल जो है आपका और किस काम आता है, इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोल इज ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये सब थे आपके कोल के यूजेस। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो या कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, देन आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू। तो ये मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिए हैं, करना क्या है, या तो वीडियो को सुन लो या इसको पॉज करके जरा जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको बता दो, इनके आंसर लिख लो। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, और जो विद टाइम एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल में भी जैसे कि सनलाइट है, एयर, वाटर, ये है आपके एग्जाम्पल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। दूसरा पॉइंट, द रिसोर्सेज जो आप प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में इन नेचर, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं प्रेजेंट एंड दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब होते हैं आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है आपके, ये है आपके फॉसिल फ्यूल। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। कॉमन वेराइटी ऑफ कोल कौन कौन सी है, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट, ये है आपकी कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल। अब और पॉइंट है, किस में जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन मिलता है, कौन से कोल में, तो एंथ्रासाइट ऐसा है जिसमें हाईएस्ट क्वांटिटी या हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन यू गेट। अदर वेराइटीज ऑफ कोल जो आपका एंथ्रासाइट है, दैट हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बताओ। एग्जॉस्टेबल कौन कौन से होते हैं, पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो सकता है, कोल, फॉरेस्ट, ये सब है आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तीन फॉसिल फ्यूल बताने हैं, फॉसिल फ्यूल जल्दी से, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सब है आपके फॉसिल फ्यूल। मोस्ट, वेयर आर मोस्ट मिनरल्स फाउंड, कहाँ करा था हमने, अर्थ क्रस्ट के बीनीथ, कहाँ पर, क्रस्ट, सॉरी, ठीक है, या फिर यू कैन से लिथोस्फियर, लिथोस्फियर। Which one of the following types of coal has lowest percentage of carbon in it? It is peat, PEAT. Variety of coal contains 38% carbon, 19% volatile substance and 43% of moisture. ये आपको बताना है, बताओ कौन सी variety होती है ये coal की। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको खुद से पता करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है,
बाकी जो देख रहे हैं वीडियो काइंडली शेयर दिस एंड बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए ताकि. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में. आगे मैं आपको कराने वाली हूँ और इससे बाद चैप्टर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड लक. एंड अच्छे लगे कॉन्टेंट तो काइंडली शेयर दिस. प्लीज हेल्प अदर्स ऑल्सो जो कर रहे हैं इस फील्ड की तैयारी, उनको भी उन तक भी ये वीडियो पहुँचाई जाए. दूसरा कि एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी को पता है. एंड एनसीईआरटी का इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा है. सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर कराती हूँ, डिस्कस कराती हूँ. तो टिल देन टेक केयर, गुड लक, कीप स्टडिंग. थैंक यू.